राहुल जी का गृह राज्य है, उसने क्या राहुल जी को सुनिश्चित किया? आप शायद उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें अपनी जो इन्फॉर्मेशन। किसी भी राज्य में जो प्रस्ताव पारित किया, अगर आप चाहें तो पढ़ लें, प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वो सारे प्रस्ताव ये हुए हैं कि वो निर्णय जो है वो वर्तमान अध्यक्ष को ही दिया जाए। रुक्मिणी जी इस बारे में आपको बेहतर बता दूँ, जो प्रस्ताव हुए इसको मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, इसको क्लियर कर दी, जो प्रस्ताव पारित हुए हैं बैठक में वो केवल ये हुए हैं जिस राज्य में कि वो हमारे अध्यक्ष के को ये अधिकार दिया जाता है कि वो निर्णय ले। इसके बाद जो बैठक के उपरांत लोगों ने अपने अपने उद्घोषण किए, भाषण दिए, उसमें लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो मैं चाहूंगी कि इसको आप क्लैरिफाई कर लें, और मैं आधिकारिक रूप से कह दूँ साहब ने ये बात स्पष्ट कर दी थी पहले कि जितने भी प्रस्ताव हैं वो सिंगल लाइन प्रस्ताव हैं, और ये परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी, उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। लोगों ने आज भी हमारी इस नीति में भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करी है कि राहुल जी अध्यक्ष बने, और इस पर सबकी भावनाएं भी इससे जुड़ी, पर जो प्रस्ताव है वो सिर्फ ये है कि अध्यक्ष जो है उसको हम ये अधिकार देते हैं कि वो जिसने हमेशा इस देश के लिए जब से वो राजनीति में आया, भले ही उन्होंने अपनी हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री अपनी सास को अपनी आंखों के सामने 32 गोलियां खाते देखी, पर उन्होंने इस देश के लिए पार्टी के लिए लड़ना संघर्ष करना खत्म नहीं किया। जिस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने पति के शरीर के टुकड़े देखे फिर भी वो महिला पूरी ताकत पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए जिसने संघर्ष किया है, हमें गर्व है कि आज हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम ऐसे नेतृत्व में अपने विश्वास और आस्था ये हमारा विश्वास है हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी का, और ये साधारण विश्वास नहीं है। मैं इस बात को जरूर बोलना चाहूंगी कि हमने ये निर्णय क्यों लिया, हालांकि ये परंपरा कोई भी नहीं, पहले भी ये अधिकार हमने लिए हैं अपने अध्यक्ष को, पर आज जब कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर दो रंग, या तो हम ईडी सीबीआई की तरफ से बैठ हैं, या फिर इस देश की एकता अखंडता को, इस देश की पहचान को, भारत की पहचान को बचाने के लिए हम संघर्ष लड़े, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। इस कमेटी के जो मेंबर्स थे, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर्स, जो सब आज यहाँ पर मौजूद, प्रस्ताव रखा उन सभी के सामने, प्रस्ताव में ये जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें स्पष्ट है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सभी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्होंने सभी निर्वाचन सभी मनोनीत सदस्यों के लिए, अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए आदरणीय सोनिया गांधी हमने अधिकृत किया कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये अधिकार उनके पास सुरक्षित है कि वो जो भी निर्णय ले, जिसको भी वो जिस पद पर बैठाएंगे वो हम सबके लिए सर्वसम्मति से स्वीकार करें। इस कमेटी के चार्टर में आयोजित इस प्रेस वार्ता चुनाव की जो हमारा आंतरिक चुनाव और कांग्रेस कमेटी का होता है,
जिला किसी जिला बचे। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की यह लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा जी आपको विश्वास से होकर हम ही आपको साथ देते हैं। विधानमंडल दल की लीडर यह लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा माननीय विधायक दिलीप चौधरी जी एक सवाल है। आपने भी कहा कि जो सोनिया गांधी जी डिसीजन लेंगी तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ रही? हमने दिया है, चुनाव में हो रहा है, ये हमारी इच्छा है, ये हमने उनको अधिकार दे दिया और चुनाव होगा। सारा ऐसा लगा ऐसे राहुल गांधी फिर से बन जाएंगे अध्यक्ष, ये डिसीजन कांग्रेस डिसीजन है क्या? ये जिस तरीके से आपने उनकी यात्रा का जिक्र किया इसमें, जबकि आपने प्रस्तावित जो प्रस्तावना पास की, प्रस्ताव अभी नहीं दिया, प्रस्ताव सुनकर ये हमारी भाव